जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। YouTube पर अपना करियर बनाने के शुरुआती दिनों में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखें, बिना स्क्रिप्ट कैसे बोलें, कैमरे को कैसे फेस करें। और इन सवालों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, माइक कौन सा लें और बिना माइक के कैसे एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करें। बिना माइक से सीधा सा मतलब है कि फोन से कैसे करें, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, फोन से रिकॉर्ड करना कोई मजबूरी नहीं है। कई बार मैं करता ही फोन से रिकॉर्ड हूं, और किस तरह के वीडियो फोन से रिकॉर्ड करने में मजा आ जाता है, एक बहुत ही कमाल की क्वालिटी मिलती है, मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा उस वीडियो का, जो मैंने आपको करके दिखाऊंगा, और साथ में उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है और आप जाकर देखिएगा कि कितनी शानदार क्वालिटी है। तो चलिए पहले इस डेमो में देख लेते हैं कि एक शानदार क्वालिटी का ऑडियो फोन से किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद मैं आपको कई सारे टिप्स, प्रो टिप्स देने वाला हूं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को और बेहतर बनाने के लिए। कर दिया है, अब ये रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है और एक्चुअल स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करते हैं, जिसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप इसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ये है मेरी स्क्रिप्ट, आज मैं बनाने वाला हूँ मनी एंड मोटिवेशन का, नहीं वाइटी इनसाइड के लिए, टू द पॉइंट, लाइट सेटअप, और ये सारी मेरी स्क्रिप्टें लिखी हुई हैं। दुनिया का पहला सूर्य ग्रहण ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत भी थी दुनिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले मेरे वीडियो के लिए। अब ये वाला जो माइक, मैं जूम का माइक भी यूज़ करता हूँ, इसका ये ले लेते हैं बस, इससे थोड़ी सी आवाज़ में क्लैरिटी आएगी, क्योंकि मैं इसको मुँह के पास करूँगा। तो मैं कौन सा माइक यूज़ करूँगा, आपके फ़ोन में माइक की प्लेसमेंट एक जगह या दो तीन जगह हो सकती है। 30 अप्रैल 2022 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। हमें हमेशा इस बात की जिज्ञासा रहती है, हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि दोस्तों सूर्य ग्रहण के इतिहास के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप फोन से एक बेहतरीन, एक कमाल की क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करना हो, कुछ बातों का ख्याल रखना है, हालांकि मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं इस वीडियो के जस्ट बाद, लेकिन यहां ये जुड़ा है टॉपिक, तो कुछ बातों का मैं आपको यहां जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जिनमें से एक है इको, दूसरा है बैकग्राउंड नॉइस, और तीसरा है एनवायरनमेंट। इन तीनों चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। नॉइस की बात करें तो उसे बहुत हद तक कट किया जा सकता है, इको की बात करें तो उसे भी बहुत कम किया जा सकता है, माइक से कम दूरी बनाकर। हमारे फोन में जो माइक लगा होता है उसकी टाइप होती है ओमनी डायरेक्शनल, मतलब कि वो चारों तरफ से ऑडियो रिकॉर्ड करता है। और भी कई तरह के माइक होते हैं, डायनामिक माइक है, कंडेंसर माइक है, और ये भी एक ओमनी डायरेक्शन माइक है। इस तरह का माइक इसलिए इतना अच्छा रिकॉर्ड कर पाता है क्योंकि ये काफ़ी पास है, तो जितना ज़्यादा पास होगा माइक ऑडियो सोर्स के, दूर की आवाज़ें उतनी ही कट ऑफ हो जाएंगी। माइक के साथ साथ दूर की आवाज़ों को कट करने के लिए एक अच्छी ऐप में ये सेटिंग होती है, ग्लोबल गेन, इनपुट गेन के रूप में। चलिए डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की है, ऑडियो रिकॉर्ड की है, वो यहाँ सारी लिस्टेड है। हम उस ऑडियो को खोलेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कई सारे फिल्टर्स हैं, लेकिन यहाँ जो हम करने वाले हैं वो ये है कि कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे फिल्टर्स हैं। हम जो अभी करेंगे थ्री बैंड इक्विलाइजर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपनी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो ऑटो सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि फुल बास एंड ट्रेबल, ये मैंने सेव करी हुई है अपनी सेटिंग है। इसको क्लिक करते ही बेस और ट्रेबल, जो कि ग्रीन लाइन्स आपको दिख रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे होता है, और जो अभी आपने देखा, मैं इसको कट करता हूँ, फिर से अप्लाई करता हूँ फुल बास एंड ट्रेबल, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये जो मैंने सेटिंग रख रखी है, आप चाहें तो इसी सेटिंग को अप्लाई कर लें, आप चाहें तो यहाँ हिट एंड ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद मैं इसको गुड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ करने के बाद आप अपने ओरिजिनल ऑडियो को चाहें तो अलग से रख सकते हैं, इस फाइल को नए रिकॉर्ड के रूप में करते हुए, या फिर आप इसे ओवरराइट कर सकते हैं। मैं ओवरराइट कर दूंगा, तो अब जो आपकी ऑडियो है फर्स्ट नंबर वाली, ऊपर वाली जो हमने अभी रिकॉर्ड की है, उसमें एक बहुत ही कमाल का ऑडियो आ गया है। और अगर आप इस ऑडियो को जो हमने इस डेमो में रिकॉर्ड किया उसे सुनना चाहते हैं, तो फैक्ट्स इंडिया, तो हमारे चैनल फैक्ट्स इंडिया पर जाकर ये वाला वीडियो, दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, को सुन सकते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड की अपने फ़ोन से, उसके ऊपर एक फॉर्म लगाकर
वो कैसी थी और हमने जो इफेक्ट्स दिए वो वास्तव में एक्चुअल में कैसे सुनाई देते हैं। जरूर देखिएगा वो वीडियो, अगर यहाँ कोई बात रह भी गई है तो वो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो ये वीडियो था इस बारे में कि हम अपने फ़ोन को यूज, इसी फ़ोन को मैंने वहाँ यूज़ किया है और इसी फ़ोन को मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है कि ये हैंडी होता है, हर वक्त हमारे पास होता है। अगर डायनामिक माइक हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, गजब की क्वालिटी आती है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिएगा। लेकिन कुछ उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसे असेंबल करना पड़ता है, जैसे शिकार पर जाने से पहले बंदूक को करना पड़ता है, बिल्कुल वैसी ही मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप इससे बचने के लिए उसे एक जगह परमानेंट कर देते हैं तो भी कई सारी परेशानियां हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और शुरुआत के दिनों में तो आप बिल्कुल मत सोचें कि आपकी मजबूरी है इसलिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पैसे कम हैं। मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, तो बिंदास यूज कीजिए, एक शानदार क्वालिटी से वीडियो बनाइए। और किस किस तरह के वीडियो बनाए जा सकते हैं, किस किस तरह के चैनल बनाए जा सकते हैं, बिना फेस दिखाए फेस दिखाकर किस तरह के ज़बरदस्त चैनल बनाए जा सकते हैं जिनका स्कोप न सिर्फ 2022 बल्कि आने वाले कई कई सालों तक है। तो चैनल पेज पर कई सारे और अच्छे वीडियोज़ हैं, वक्त निकाल कर देखिएगा, कई सारे वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में बड़ी जल्दी ही। इजाज़त, जय हिंद।